आज हम हाजी इलियास साहब के घर में खड़े हैं और मैडम से बात कर रहे हैं। इनका जो जज्बा है कौम के लिए, बच्चों के लिए, इस बारे में मैडम से पूछेंगे कि आप हमेशा 2 सालों से फैजपुर शहर में मदरसों के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहर निगार मोहम्मद इलियास शेख, हमारी दर्दमंद फाउंडेशन जो है मदरसे के लिए, गरीब बच्चों के लिए और ऐसे बहुत सारे मुस्तहिक यतीम मिस्किन बच्चों के लिए हम काम करते हैं और ये काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं कि अल्लाह जो है बहुत बड़ा गफूर रहीम है और वो सभी के दिलों का हाल जानता है और उसी एतबार से वो अज्र भी देता है। तो 2 दिन पहले हमारे फैजपुर में मदरसा तालीमुल कुरान का बहुत बड़ा तालीमी जलसा हुआ। उस वक्त मैं हाज़िर नहीं थी लेकिन मैंने उसको ऑनलाइन देखा, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ तक कि बच्चों की कारकर्दगी, जो उनकी नात याद किए हुए और रिकॉर्डिंग नात पर जो उन्होंने अपने जज्बात तासुरात पेश किए, वो वाकई में बहुत तारीफ़ के काबिल है। और साथ ही साथ उस्ताद की भी बहुत मेहनत है उसमें। एक ही हमने सुना है कि उस मदरसे में एक ही उस्ताद पढ़ाते हैं और 200 से 250 बच्चे उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं और माशाल्लाह से कुरान हाफिज़ भी हुए हैं कुछ बच्चे, बहुत खुशी की बात है। और उस तालीम को देने में जो तकलीफ़ें जो आती हैं, परेशानियां आती है, और मौलाना ने जो है उसको बखूबी अंजाम दिया है, बहुत मेहनत की है बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों के तालीमी प्रोग्राम के लिए और बच्चों को कुरान हाफिज़ बनाने के लिए, वाकई में उनकी बहुत मेहनत है, तारीफ़ के काबिल है और अल्लाह इसका अज्र खैर उनको अता फरमाए और हमारे फैजपुर को भी हर बलाओं, बीमारियों से और आफतों से महफूज रखे। हम चाहते हैं कि हर बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए और तालीम कुरान की जो है अहमियत को समझे माँ बाप भी, और अपने हर बच्चों को कुरान की पढ़ाई की तरफ रागिब करें और भेजें और अल्लाह ताला उनको नेक तौफीक दे और वो इसी तरह से पढ़कर अपनी ज़िंदगी को संवारे। हमारा मकसद यही है कि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, चाहे वो दीनी मुकाम हो या दुनियावी मुकाम हो, दोनों मुकाम में बच्चा आगे रहे और तरक्की करे। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि अपना समाज तरक्की की राहों पर गामजन होगा और हम यही चाहते हैं कि तरक्की करे हमारा समाज, हमारा मज़हब, यही जो है आगे बढ़े, बच्चे इसको आगे बढ़ाए और तालीम के मैदान में आगे बढ़ाकर अपना भी नाम रोशन करें और हमारे गांव का भी नाम रोशन करें। मैडम, आप दुनिया के सबसे बड़े शहर मुंबई में रहते थे और मुंबई में आपने आपकी सर्विस पूरी की, आपने फैजपुर शहर ही क्यों अपनी खिदमत के लिए चुना, इस बारे में आप 2 शब्द बोले हमारे चैनल पर। हमारा बचपन जो है बॉम्बे में ही गुजरा है, यहाँ तक कि तालीम भी बॉम्बे में ही हुई है और हम वहाँ पर मुदर्रिसा का भी किरदार अदा किए हैं और मेरी सर्विस पूरी नहीं हुई, मैंने बीच में से ही सर्विस को मुनक़ता कर दिया है, VRS लिया है। और हमारा पहले से ही ये कहना है कि बॉम्बे जो इतनी भीड़ भाड़ वाला शहर, वहाँ पर जो है हर तरफ देखो चहल पहल, रेल पेल, एकदम भाग दौड़ की ज़िंदगी, जिसकी वजह से हम लोग भी बहुत थक चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे गांव में जाके बस जाए जहाँ पे हमें सुकून मिले, चैन मिले, आराम मिले और बस हम अल्लाह अल्लाह करते रहे और दीनी कामों में अपनी खिदमतें अंजाम करते रहे। इसलिए हमने फैजपुर का शहर चुना और वाकई में शहर बहुत खूबसूरत है ये, और यहाँ पे हरियाली है, हरियाली तो हमें बहुत पसंद है, इसीलिए हम इस शहर में आ गए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे अल्लाह मालिक है, दुआ कीजिए कि इधर ही अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ जाए इंशाल्लाह।